हेलो फ्रेंड्स, पीवी एजुकेशन हर्क में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जाम में कितनी स्टेजेस होती हैं और इस एग्जाम में किन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से तैयार करें ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत अच्छा स्कोर पा सकें। चलिए शुरू करते हैं सिर्फ पीवी एजुकेशन हॉल्ट पर। दोस्तों, अगर हम बात करें रिटर्न एग्जाम की तो यह ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 के एग्जाम से पहले जितने भी एग्जाम एसएससी ने कंडक्ट कराए हैं स्टेनोग्राफर्स के, वह सभी ऑफलाइन हुए हैं, लेकिन 2017 में यह एग्जाम ऑनलाइन कराया गया है। दोस्तों, अगर बात करें इस एग्जाम की स्टेजेस के बारे में तो पहली स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपके एग्जाम में तीन पार्ट आएंगे। पहला पार्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा पार्ट होगा जनरल अवेयरनेस और तीसरा पार्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो वो मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे। दोस्तों, इस एग्जाम में 200 क्वेश्चंस आएंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और अगर आप इस एग्जाम में कोई भी रॉन्ग आंसर देते हैं तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। दोस्तों, ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों, बहुत अच्छा पार्ट है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं, उन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से तैयार करें ताकि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। ये टॉपिक्स हैं एनालॉजीज, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज एटसेट्रा। दोस्तों, ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत आसान है और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एग्जाम में आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट में एक अच्छा स्कोर बनाने में मदद करेगा और आप बना भी पाएंगे। कुछ टॉपिक्स हैं, आप उन्हें देखिए और उनके ऊपर वर्क कीजिए, बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, आप जरूर ही बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जैसे अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स एंड करंट इवेंट्स, एवरीडे ऑब्जर्वेशन, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च एटसेट्रा। दोस्तों, बात करें लास्ट पार्ट की तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इस पार्ट में इंग्लिश की समझ होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप इस पार्ट में वीक हैं भी तो दुखी मत होइए। दोस्तों, मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं, उन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और मैं कहता हूं आप इस पार्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ये टॉपिक्स हैं एंटोनियम सिनोनियम, इडियम फ्रेज, नरेशन, वॉइस, क्लोज टेस्ट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामेटिकल एरर के लिए पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। और दोस्तों, एक बहुत बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं मैं आपको कि आप वोकैबुलरी मजबूत कीजिए। जितनी भी आप वोकैबुलरी तैयार करेंगे आपको उतना ही फायदा होने वाला है, आप उतना ही अच्छा स्कोर करेंगे। दोस्तों, अब जो लोग स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे उनका स्टेनोग्राफी में स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अगर हम बात करें ग्रेड सी के लिए तो स्टेज 2 में उनको 10 मिनट के लिए 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से एक डिक्टेशन बोली जाएगी जिसे आपको शॉर्ट हैंड में नोट करना होगा और बाद में कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करना होगा। ट्रांसक्राइब का समय रहेगा
40 मिनट इंग्लिश के लिए और 55 मिनट हिंदी के लिए मिलेंगे। इसी तरह ग्रेड डी में 10 मिनट के लिए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जाएगी, जिसे आपको नोट करके कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करना है, जिसका समय रहेगा 50 मिनट इंग्लिश के लिए और 65 मिनट हिंदी के लिए। तो दोस्तों, ये था एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का एग्जाम पैटर्न। दोस्तों, मुझे आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।